अपना क्या। मैं सच कह रहा हूं नानू, मैंने अपनी आंखों से देखा, माहिन उसी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के पीछे खड़ी थी। एक लम्हा तो मुझे भी लगा कि मेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी, फिर चलकर मेरे पास। माहिन? जी हाँ माहिन, कहने लगी, मुसव्वर तस्वीर को सोचता है, तस्वीर मुसव्वर को नहीं सोचती कुलरेस। वो तो सजने के लिए किसी आर्ट गैलरी की खूबसूरत दीवार को ढूंढती है। तो तुम ये कहने के लिए आए हो कि तुम माहिन से शादी नहीं करोगे? मैं कोई लंदन की गोरी नहीं हूँ वकार अहमद, जो तुम जैसे लफंगे की चिकनी बातों में आ जाएगी। तो तुमसे हंस के बात कर ली तो समझो मशहूर मामू से मोहब्बत है मेरी, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए इतनी नफरत है कि जब देखो थूक दो तुम्हारे मुंह पे। और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम कहो तुम माहिन औरत जैसे शादी करोगे? किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़े हो लाड साहब कि पर्स में हाथ डाला और हर बिकने वाली चीज खुल गई थी। शर्म से डूब मरो, 10-10 लड़के से दोस्ती है तुम्हारी और अब हाथ डालोगे तुम मुझ पर? एक बात याद रखो लंदन के नवाब, तुम्हारे हाथ काट कर तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी। बस करो माहिन। मुझे छोड़िए मुमानी, अब इसके लिए यही अच्छा है कि अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और लंदन जाके बसेरा करे। ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है मिस्टर, छुट्टी करो यहां से। और हाँ, अब तुम्हारे मुंह पे मेरा नाम भी आया तो बर्बाद कर डालूंगी तुम्हें। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। जब भी पूछा के अंजाम मोहब्बत क्या है, दिल बनाता वो फिर दिल को मिटा देता है। मैं कोई लंदन की गोरी नहीं हूँ वकार अहमद, जो तुम जैसे लफंगे की चिकनी बातों में आ जाएगी। 10-10 लड़के से दोस्ती है तुम्हारी और अब हाथ डालोगे तुम मुझ पर? एक बात याद रखो लंदन के नवाब, अब तुम्हारे मुंह पे मेरा नाम भी आया तो बर्बाद कर डालूंगी तुम्हें। अब समझे वकार अहमद की लड़की क्या होती है। सच कहती हैं दादा, जिससे दोस्ती हो जाए उससे शादी जायज नहीं होती। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या, सुलगना क्या।
छड़ना क्या, ये क्या के तुम बनाती हो, बना कर तुम मिटाती हो, जिगर का खून पीती हो, जिगर का खून पीती हो, दिलों का मांस खाती हो, दिलों का मांस खाती हो। चोट लगी है उसको? कैसे? उसके हाथ में जो चीज आई उठा के मार दी उसने, और वो भी मर्द का बच्चा है, अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। क्या सोचेगा? आप भी तो यही चाहती थी। जाओ जाके देखो उससे। गुलरेज, जरूरी नहीं है कि ख्वाब ताबीर होते। ख्वाब में जो देखोगे ताबीर में उसका उलट दिखता है। अब बताओ, ख्वाब को मानोगे या उसकी ताबीर को? हेलो, सुरैया बात कर रही हूँ, मेरुनिसा। जी आपा। माहीन आई थी? माहीन नहीं आई थी आपा, कोई आंधी आई थी। क्या हुआ? वो तो बिजली की तरह गिरी है वकार अहमद पर, जो चीज हाथ लगी उसी पे तोड़ दी। क्या? कुछ ना पूछिए, तहस नहस कर गई है उसे, होठों से उसके खून निकल रहा है। ओह मेरे खुदा, तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? रोकते पर रुकने वाली नहीं थी वो। सच पूछिए, बड़ा जुल्म हुआ है। ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया था उसने कि माहीन से बेइज्जती करवाई जाती। ये सवाल तो खैर अम्मी बेगम से पूछो। दिल तो करता है कि इस बार पूछ ही लूं। अगर वो माहीन से शादी करना चाहता है तो इसे सोचने और बोलने में गुनाह की कौन सी शेख लगती है? मैं क्या करूँ मेरुनिसा, मेरा तो अपने हाथ पांव फूल रहे हैं। मेरा तो ख्याल था थोड़ी सी तकरार होगी और बात खत्म हो जाएगी, पर ये लड़की तो। एक बात कहूं आपा, बड़ी माफी के साथ, इस जुर्म में आप भी बराबर की शरीक हैं। एक बात मैं भी कहूं मेरुनिसा, माना जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ इस पूरे खानदान में बकार अहमद जैसा कोई लड़का नहीं है। लेकिन जहां जबानों की लाज ना रखी जाए वहां लोग मुंह पर थू थू करते हैं। अब इस बेसर पैर की एक मोहब्बत की खातिर अम्मी बेगम अपने मुंह पर थुकवाने से तो रही, और मैं भी ये कभी नहीं चाहूंगी कि वकार अहमद की आरजू को जिंदा रखने के लिए गुरेज अख्तर को जीते जी मार दिया जाए। तुम्हें ये सब कुछ करने को किसने कहा था? मुंह तोड़ने की बात तो हुई थी ना? तो मतलब मुंह तोड़ देना है? मैंने कहा था मैं जो कहती हूँ कर देती। क्या सोचता होगा वो? अच्छा, ये परवाह होने लगी कि वो क्या सोचता होगा। मैंने उसे कहा है कि सामान उठाए और निकले यहाँ से। कहाँ से? नानों के घर से। और कहाँ से? वहाँ तेरा हुक्म चलता है। तो एक बात आप भी सुन ले मामा, जब तक वो आदमी वहां रहेगा मैं उस घर में पैर नहीं रखूंगी। मुंह तोड़ के आई हो या रिश्तेदारी? मेरी कौन सी रिश्तेदारी है उसके साथ? अच्छा, तो ये सब भी खत्म हुआ, बोल चाल मरना जीना कुछ बाकी नहीं रहा?
फालतू की रिश्तेदारियां मैं नहीं पा सकती। मतलब जो तुमसे शादी की आरजू करे उसे फांसी पर टांग दिया जाए? कम अज कम उसको तो फांसी पर टांग देना चाहिए। बहुत बुरा किया था मैं। उसके बाद भी कोई बात निकली ना उसके मुंह से तो बहुत बुरा करूंगी उसके साथ। तुम यहां खड़े क्या कर रही हो? बहरूप बदलने का फन सीख रही हूँ। कौन बहरूप बदल रहा है? कोई एक हो तो बताओ। मुझे तो लग रहा है कि मैं थिएटर में बैठे नौटंकी देख रही हूँ। खुदा की कसम यहाँ तो एक से एक बड़ा एक्टर है। अरे नीलम, मुझे तो उसको देखकर पता चला कि भौचाल किसे कहते हैं। उसने तो आग झपकने की देर में पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। सच कहता हूं, उसके हाथ में बंदूक लग जाती ना तो वकार अहमद को गोली मार देती। ये तो बड़ी बदतमीजी है। वकार कोई गैर नहीं है, उसके मामू का बेटा है और कजन्स में ऐसी बातें होती रहती है। और प्रपोजल लेकर वो उसके दरवाजे तक नहीं गया। अम्मी बेगम से बात की है उसने, और अम्मी बेगम से बात करने का हक था उसे। तो अब क्या होगा? अब जो सुनेगा वो लानतान करेगा उस पर। से ये है ना मानने वाली बात, जहां तक मैं उसे जानती हूँ वो बहुत डिसेंट लड़की है। मजाक में कुछ करे तो करे, लेकिन इन हालात में ऐसा कर नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो हैरान हूँ कि वो आफत मचाकर चली गई और वकार चुप खड़ा देखता रहा। खुदा की कसम, वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला। माफी मांगनी पड़ेगी उसे। अब इतनी भी डिसेंट नहीं है वो। तो लिख कर रख लो, गुलरेज अख्तर हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। क्या देख रहे? देख नहीं रहा, सोच रहा। तो क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि भौचाल आ जाए तो वो कौन मर्द का बच्चा है जो डटकर अपने पैरों पे खड़ा रहे, एक इंच भी ना हिले। देखो तो सारा कहाँ जा रहा है। देखने से पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है। जाके देखो तो सही। गाड़ी लेकर निकल गया है। निकल गया? कौन निकल गया है? वकार। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरा जी तो डर रहा है अम्मी बेगम। अरे डरो मत, गाड़ी चलानी आती है उसे। अम्मी लेकिन आपने उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा है। अरे गुस्सा तो आएगा, बालिश भर की लड़की उसका तिया पांचा करके गई है। और अगर वो सीधे उसके घर चला गया तो? जल्दी से फोन ला इधर। नंबर तो मिला। हेलो, अम्मी बेगम बोल रही हूँ। जी अम्मी बेगम। अपने खिड़कियां दरवाजे बंद रखो, वो आ रहा है। कौन? अरे जिसका मुंह तोड़कर गई है वो। जी
हाय आंटी। कैसी हो जिया? बहुत बुरी कसम, इतनी बेवफा लड़की है ना कि दिल करता है जान से मार डालो। मार डालो? कहाँ है वो? ऊपर ध्यान से, बहुत गुस्से में। क्यों, बात ही कुछ ऐसी हो गई है? वो क्या है कि अपने वकार भाई है ना, उन्होंने उसे प्रपोज कर दिया। फिर उसने डिस्पोज कर दिया। देख क्या तुम, ये सब बताने की जरूरत क्या थी? मुझे सब पता है कि कब किसको क्या कहने की जरूरत है। दरवाजा बंद कर लो, वो आ रहा है। कौन? वकार। तो क्या आप उसे अंदर नहीं आने देंगी? सुना है बहुत गुस्से में घर से निकला है। तो फिर दरवाजे बंद मत करवाइए। खुशी मोहम्मद से कहिए कि सब टूटने तोड़ने वाली चीजों को संभाल दे। खुशी मोहम्मद, खुशी मोहम्मद। अब क्या फायदा? वकार, उसको माफ कर दे मेरे लाल। माफी तो मैं उससे मांगने आया हूं, बेकार में उसका दिल दुखाया। क्या मारा है यहाँ? कुछ नहीं, 4 साल पुराने थप्पड़ का बदला पूरा हो गया बस। अच्छा बताइए कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में। उसके मुंह मतलब को? कुछ नहीं होता वो। नीचे, नीचे, मैंने कहा नीचे उतरो। खबरदार जो तुमने ऊपर आने की कोशिश भी की। प्लीज मामा, इस आदमी से कह दीजिए मेरे यहाँ होते हुए इस घर में कदम ना रखे। और तुम भी सुनो, इस घर में तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी, उल्टे पैर वापस चले जाओ। जी क्या कर रही हूँ माहिन? इसकी उस कमीनी हरकत का जवाब दे रही हूँ। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मुझसे पूछेंगी नहीं क्या फैसला कर लिया? पहले तो बड़ी जल्दी थी आपको। क्या फैसला कर लिया तुमने? मैंने फैसला किया है कि मैं गुलरेज से शादी करूंगी। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। मैंने ठीक किया ना? तुमने जूता मारा है उसके मुंह पर। हालांकि मैं जूता नहीं मारना चाहती थी। डोंट बी अपोलोजेटिक यार, जो किसी का दिल तोड़ते हैं वे फिर उनका भी टूटता है। किसका दिल तोड़ा उसने? दोस्तियां करने वाले दिल तोड़ने के माहिर होते हैं। भूल कर किसी से वादा कर लिया, टूट कर किसी की कसम खा ली, और फिर होश आया तो मुकर गए।
दुआ करो यहाँ से चला जाए। इसके होने का इतना डर क्यों है तुम्हें? अब लगता है उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। पछता रही हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुजरिम है, लेकिन समझ नहीं आता। आदमी किसी को बताए तो क्या कहे, जुर्म क्या है उसका? ये कम है कि उसने बीच पंडाल में खड़े होकर कह दिया कि मैं माहिन से शादी करूंगा। हाँ, लेकिन ये जुर्म तो नहीं है जिया। कजन्स में ऐसा होता है, कोई भी किसी को अच्छा लगने लगता है। अब उसने मुझसे तो नहीं कहा ना, नानू से बात की थी। रोक देने और मना करने के लिए नानू का एक हुक्म ही काफी था। मना करने के लिए जो इतने लोग खड़े थे, तो मेरा जूता मारना जायज नहीं लगता ना। सचमुच जूता मारा था तुमने? उस वक्त तो थप्पड़ मारा था, जूता तो अब मारा है मैंने। अपने किए पर पछताओगी तो सब लोग तुम्हारे पर शक करेंगे। शक? तुम्हारी दिमागी हालत पे तो शक किया जा सकता है। अगर मैं सो जाऊं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? ओके, मैं रात को कॉल करूंगी। और हाँ, अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो बैठकर डायरी लिखना, जो दिल में आए लिख देना, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। वो सो गई आंटी, उसका ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चले? कहाँ? नीलम आपा के घर। क्यों? जाकर बता दीजिए उन्हें कि लड़की मान गई है। एक बार फिर पूछ लो उससे, सच में मान गई है? अब पूछने की जरूरत ही कहाँ है, डंके की चोट पे ऐलान करके गई है। अपने मुंह से गुलरेज का नाम लिया है उसने। आप लोग तो चाहते थे वो सर हिलाकर बस हाँ करते। अल्लाह माशाल्लाह, वो तो मुंह फाड़कर फैसला सुनाकर गई है। जहां बात बात पर 100 टेलीफोन होते हैं, वहां खबर सुनाने में इतनी देर क्यों? मैं करती हूँ फोन, नानो तो खुशी से झूम उठेंगी। रुको फजर, उसे नींद से जागने दो, फिर पूछूंगी उससे। नींद से जाग गई तो फैसला बदल लेगी। मैं तो कहती हूँ मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। बात जैसे तैसे मुंह से निकल गई है, खबर बनाकर सारे खानदान को सुना दीजिए। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, बस एक अम्मी बेगम को सुना दीजिए, फिर देखिए कौन कौन सुनता है। तुम हद से बढ़ रही हो फजर। अरे बहन शादी पर राजी हुई है, 10 लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। कईयों की जबानें कटने से रह गई और कईयों की नाक बच गई, और मुझे जरा सी खुशी की भी इजाजत नहीं है। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? मैं समझ गई, हमेशा की तरह ये खबर भी आप नानो को खुद सुनाना चाहती हूँ। मैं फोन लगा? मैं लगाती हूँ फोन। क्या हुआ? कुछ कहा तो नहीं उसे? बेवकूफ सी लड़की है यार, चीजों को अपने हिसाब से लेती है, उल्टे सीधे अंदाजे लगा लेती है। थप्पड़ तो नहीं मारा ना उसे? वो मान गई है। मान गई? हाँ कर दी उसने।
जी हाँ, और ये सब करवाने के लिए मुझे उसके हाथों अपना मुंह तोड़वाना पड़ा है। फिर भी हाँ कर दी उसने। अपनी तरफ से बहुत खेल खेलते हैं ना आप लोग। और दादो आप तो हर वक्त शतरंज की बिसात बिछाए बैठे हो। ये मोहरा दर रख दिया, दर फेले को हरा दिया और वजीर को शह दे दी। बस ख्वाहिश ये होती है कि शह आपकी तरफ से हो। यहां आपसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे लंदन का लौंडा। क्या वो जो जरा सा लोफर है, लफंगा है, लेकिन लंदन की गोरियों से शह पे मात देने में बहुत से गुर सीख कर आए होंगे। कहा क्या है उसने? ये तो खैर आपको एक फोन पे पता चल ही जाएगा दादो, लेकिन ये बताइए कल से 2 घंटे धूप में बैठा करेंगी आप? धूप में बैठने से पहले उस लड़की की आंखें और मुंह नोच लूंगी मैं। क्यों? अगर कोई दिल की बात करेगा तो उसकी आंखें और मुंह क्यों नोच लेंगी यार? मोहब्बत से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, अपने अंदर की चिंगारी से पूरे घर को चला डालोगे। बैठ जाओ दस्तूर अहमद, और बैठकर आग तापो। दस्तूर अंकल आग तापेंगे तो आपका कलेजा कैसे ठंडा होगा दादो? हद-ए-अदब! दिलों पर हद लगाने वालों की आरजू तो देखिए, हद-ए-अदब! अब वक्त बदल गया दादो, दिलों की मर्जी के आगे अब किसी नानो दादो के हुक्म लागू नहीं होते। मोहब्बत के आगे 2 जानू होके झुकना पड़ता है। तो फिर तुम मुझे जानते नहीं हो वकार अहमद? आपको तो मैं बड़ी अच्छी तरह जान गया हूं दादो, मोहब्बत में सियासत करती हैं आप। कैसी बातें कर रहे हो यार? एक सेकंड दस्तूर अंकल, मुझे जी भर के बात करने तो दीजिए। हुकूमत के नशे में धोती 65 साल का कहने वाली 75 साल की बुढ़िया, मोहब्बत के ऐवानों को रेत का महल समझती, हिम्मत है तो टकरा के दिखाइए, मुट्ठी भर खाक की तरह भाग से उड़ जाएंगी। Thank you.
निकालो इसको। बेटा इसको डेली साफ करो, तो ये गंदा नहीं होना चाहिए। और वो देखो उधर सारी मिट्टी पड़ी हुई। हेलो, फोन अपनी माँ को दो। अम्मी, क्या हुआ? नानो जी। अम्मी बेगम, माही ने हाँ कर दी जी। तुम कहाँ थी? वहीं उसके सामने। और वकार? वकार भी वहीं था। और तुम खड़ी देखती रही? मैं क्या करती अम्मी बेगम? थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसके मुंह पर? किसके? उस कमबख्त के मुंह पर जो यहाँ घर की सारी चीजें उस कमीने के मुंह तोड़ कर गई थी। जानती हो, जिसका मैं मुंह चूम चूम नहीं थकती थी, वो आज कुत्ते की तरह भौंक कर गया मुझ पर। कहता है हुकूमत के नशे में धुत 75 साल की ये बुढ़िया मोहब्बत के ऐवानों को रेत का महल समझती है। हिम्मत तो टकरा के दिखाए, मुट्ठी भर खाक की तरह फक से उड़ जाएंगी। ऐसा क्यों कहा उसने? तेरी उस लाठी ने हाँ जो करती है। कहाँ है वो? अभी मुझसे थप्पड़ खा कर गया। ओह खुदाया, तुम्हें तरस आ रहा है उस पर? तरस तो आपको भी आएगा मी बेगम। अभी यहाँ से भी जिल्लत का तौक गले में डालकर निकला है। माहीन ने उसके सामने खड़े होकर कहा है वो गुलरेज से शादी करेगी। तुम्हारे पास एक ही हल है, तुम किसी रोज मेरी जान ले। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी को दुनिया के बिगाड़ में अकेला छोड़कर चैन से जी सके? तुम्हें यह फैसला लेना होगा, मेरी जान लोगी या किसी दिन बैठकर मेरी कहानी सुनोगी? बीबी जी, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूं। किसी के बाप को दरवाजे पर खड़ा करना मेरे बस की बात नहीं है जी। तुम इसे छोड़कर मत जाना, इसके अंदर एक तब्दीली तो आई है, खुद चली गई, मुझे जाने को नहीं कहा।
अगर तुम्हारी फॉक्सी धुल चुकी हो तो अंदर आ जाओ, चाय बन गई है। इधर ही ला दो ना, थैंक यू कहूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं गुलरेज से शादी करूंगी। के जिनको दिल में रखते हैं वही दिल।